हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग बहुत ही अच्छे हैं मेरे भाई। तो ये जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया वीडियो है फ्रेंड, और प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड, आप तो इसे पहचानती होंगे, यह है मशीन का इनकॉर्डर। जी हाँ फ्रेंड, इनकॉर्डर। और जो इनकॉर्डर आप देख सकते हैं मशीन में कहाँ लगाया गया है, अभी नया मॉडल है, लेटेस्ट तो ऊपर है, और पहले का जो मॉडल आता था उसमें नीचे होता था। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकॉर्डर मोटर आपका ख़राब हो जाए, ठीक है। इनकॉर्डर मोटर जब आपका ख़राब हो जाए तो आपको कैसे आप पता कर सकते हैं कि हाँ आपका इनकॉर्डर ख़राब है। देखिए फ्रेंड, इनकॉर्डर जो है ना, मतलब मशीन का पूरा जो 100 का काम को पूरा कराता है, ठीक है। और रही बात, आपका जब इनकॉर्डर ख़राब होगा तो आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा कि इनकॉर्डर ख़राब है, आपको ऐसे मॉनिटर में दिखाई देगा मेन मोटर ओवर टाइम, ठीक है फ्रेंड। आप डिस्प्ले में देख सकते हो, फिलहाल मशीन में लिखा हुआ है मेन मोटर ओवर टाइम। तो फ्रेंड, आपको इनकॉर्डर टेस्ट करने के लिए फिंगर दबाना है और दो बार PD दबाना है, ठीक है। दबाने के बाद आपको आना है फ़ोन नंबर पे, और आप फ़ोन नंबर पे देख सकते हो टेस्ट इनकॉर्डर, ठीक है। फ़ोन नंबर पे आपको देख आना है, तो आके आपको इसमें आके आपको इंटर करना है, ठीक है। फ़ोन नंबर पे आपको इंटर करना है। तो फ्रेंड, हमें अब इसे इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, और आपका मशीन ऐसे हाउसिंग होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, आप इधर देख सकते हो OPL 0, APL 0, BPL 0। तो फ्रेंड, जब आपका इनकॉर्डर ख़राब होगा तो आपका जो नीचे का जो नंबर सब 0 हो जाएगा, और ऐसा फ्री मशीन हाउसिंग होगा, ठीक है। OPL BPL जो है ना आपका, जब इनकॉर्डर सही होगा तो नीचे का जो दोनों जो है वो दोनों आपका रहेगा 1000 में, और जो ऊपर का है वो रहेगा 16 या 14, ठीक है फ्रेंड। तो आपको समझ में आ गया कि आप इनकॉर्डर को कैसे टेस्ट कर सकते हो, और इनकॉर्डर ख़राब हो जाने में आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप चाहते हैं कि इनकॉर्डर चेंज करने के बारे में भी एक वीडियो बनाया जाए, तो जल्दी से यार इस वीडियो में 100 लाइक पूरे कर दो। और ये रहा इनकॉर्डर का जो केबल, आप देख सकते हो इधर लगाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई। और फ्रेंड, इनकॉर्डर आप ऐसे ही अपने मशीन में जब आपको ऐसे मेन मोटर ओवर टाइम दिखाए तो आप ऐसे ही जाके इनकॉर्डर को चेक करिए। जब आपको नीचे 00 दिखाई देगा तब समझ लेना कि आपके इनकॉर्डर में प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड। तो इधर आप देख सकते हो मॉनिटर में, इधर आपको मेन मोटर ओवर टाइम, देखिए फ्रेंड, मेन मोटर ओवर टाइम सिर्फ इनकॉर्डर की प्रॉब्लम से नहीं होता, बहुत सारा प्रॉब्लम से होता है, ठीक है। इसीलिए आपको इनकॉर्डर को टेस्ट करना पड़ेगा कि आपका इनकॉर्डर सही है या इनकॉर्डर आपका ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से यार एक कॉमेंट कर दो किस टॉपिक की वीडियो बनाया जाए।